आज मैं शेयर करूंगी इस प्लांट के बारे में। तो इस प्लांट का ग्रो करने का मज़ा दो है। एक तो दिखने में खूबसूरत है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देता है। एंड सेकंड थिंग जो है, जैसे मैंने बताया, बहुत अच्छी तरीके से पोल्यूशन से ये आप। हेलो माय ब्यूटीफुल गार्डनर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। इस व्लॉग में मैं आप लोग क्रीपर क्लाइंबर हूँ इस फिलोडेंड्रन प्लांट के बारे में। कुछ दिन पहले मैं इंडोर प्लांट के रिपोर्टिंग के बारे में एक वीडियो अपलोड किया था, तो उस वीडियो में एक क्वेश्चन आया था कि ये कौन सा प्लांट है एंड इसको कैसे ग्रो करते हैं। तो ये देखो, ये मेरा फिलोडेंड्रन है। फिलोडेंड्रन की एक वैरायटी है, एंड फिलोडेंड्रन जो है ना, एक फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसमें फ्लावर खिलते हैं। कैसा फ्लावर होता है मैं दिखाऊंगी आप लोगों को वीडियो में। पहले मैं बता देती हूँ, ये प्लांट को ऊपर में देख लो कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं जूम करूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में, लेकिन जब उसको ऊपर में ऐसा दिख रहे हो, उसको नीचे देखो कैसे किस तरीके का मिट्टी में इसको रिपोर्ट किया जाता है एंड कैसे इसको ग्रो कर सकते हो आप लोग, ये मैं आज के वीडियो में शेयर करूँगा। तो इसको फॉलो करते करते आओ, इसको फॉलो करते करते आओ, फॉलो करते करते आओ। ये है असली प्लांट, एक्चुअल जो प्लांट है ये है। एंड 2 साल से इसी पॉट में मैंने इसको रिपोर्ट करके रखी हूँ। मेरे पास और भी फिलोडेंड्रन है, लेकिन एग्जांपल के लिए ये बहुत अच्छा प्लांट। तो ये जो प्लांट है, इसको कैसे सॉइल में ग्रो करना चाहिए, आपके पास जो भी मिट्टी है उसी मिट्टी में आप इसको ग्रो कर सकते हो। ऐसा कुछ मिट्टी का डिमांड इसका है ही नहीं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर लविंग प्लांट नहीं है। क्योंकि ये जो है ना एरियल रूट से, ये जो एरियल रूट है इसका, सारे ये सारे एरियल रूट है, ये सारा रूट कहना भी ढूंढते हैं, पानी भी ढूंढते हैं, ये प्लांट के लिए सारे काम करते हैं। जैसे कि आपका मनी प्लांट में है ये जो एरियल रूट, और किट तरह का ये प्लांट है, ये बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। अगर किसी भी बड़े पेड़ पे इसको चढ़ा दो, और किट जैसे ही इसका सिस्टम है चढ़ा दो, तो ये अच्छी तरीके से ग्रो कर जाता है। तो इसको किसी को आश्रय लेता है, किसी का आश्रय लेके फिर ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। खुद पे ज़्यादा नहीं अपने आप को ग्रो करा सकता, तो इसका डिपेंडेंसी है, किसी ना किसी के ऊपर इसको डिपेंड होना पड़ेगा, फिर जाके ये अच्छा करेगा। तो यही है इस प्लांट का, इसके अंदर बहुत कुछ नहीं। अब आते हैं कि इसका केयर कैसे करना। तो इनिशियल डेज में जब आप इसको लगाएंगे, कुछ भी काटिंग से लगाएंगे, छोटा काटिंग एक ले लीजिए, कहीं पे भी मिलता है। अगर किसी को चाहिए, मेरे दोस्तों को, तो मुझे भी बता सकते हैं, मैं आप लोगों को कटिंग भेज सकती हूँ, मतलब खुद आके लेना पड़ेगा। तो ये कटिंग से अगर ग्रो करेंगे तो बड़ा पॉट मत चूज करिए। 2 साल का पॉट है ये, 4 इंच के पॉट में मैं इसको ग्रो करी हूँ। एक्चुअली में इसको जो ग्रो करना चाहिए, दैट इज़ मैक्स टू मैक्स इसी पॉट में आप ग्रो कर सकते हैं। इस तरीके का पॉट इंडोर प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड लोकेशन तो आप देख ही सकते हो कि इसको सेमी शेड में रखना चाहिए, फुल शेड में नहीं, एकदम अंधेरा में नहीं, नहीं तो ये ब्राइट लाइट, ब्राइट कलर आप लोगों को नहीं दिखेगा। एंड बहुत अच्छी तरीके से अगर इसको मेंटेन कर पाओ तो अच्छा ग्रो कर रहता है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। मेरे को खासी ये प्लांट बहुत पसंद है, बहुत खास लगता है मुझे ये कलर, ये नियॉन ग्रीन कलर। मेरे घर पे तो ये हमेशा रहते हैं, एक एक जगह पे अलग अलग तरीके से। जैसे मैं आप लोगों को बताया कि इसको जो है ना सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरीके से मेरा प्लांट है, देखो सपोर्ट ले लिया है। यहाँ पे मैंने इसको प्लेस किया था, यहाँ पे मैंने इसको प्लेस किया था, सेम ही टाइप का पॉट में मैंने इसको भी रिपोर्ट करी हूँ। अरे भाई, ये रिपोर्ट करी हूँ, इस तरीके से मैंने इसको सपोर्ट दिया। आप भी ऐसे ग्रो करा सकते हो, क्योंकि ऐसे ही ये ग्रो करते हैं यूजुअली लोग। एंड ये देखो, इसका रिजल्ट ऊपर में आके आपको मिलेगा। सिंपल, इसको यही है लोकेशन, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इसको छाई भी चाहिए, धूप थोड़ा सा मिले, सब प्लांट के लिए अच्छा है। दैट इज़ पर्शियल, पर्शियल सनलाइट, पर्शियल ब्राइट लाइट, ऐसे भी आप बता सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो। ब्रोकन हार्ट का, ब्रोकन हार्ट का बड़ा वैरायटी, तो ये भी एक वैरायटी है, ये भी फिलोडेंड्रन का है। बहुत पहले मैं अमेजोन शॉपिंग में आप लोगों को दिखाई थी कि इसको मैं कैसे रख रही हूँ, इसके बाद इसका कुछ केयर नहीं किया, जैसे यहाँ पड़ा रहता है कैसे ग्रो कर। ये भी और एक है जिसको मैंने रिपोर्ट करते हुए आप लोगों को वीडियो अपलोड किया था, तो इसको भी हम ऐसे सपोर्ट दे दिए हैं। एंड इसका छोटा छोटा पीस हम ग्रो करते हैं, जो भी छोटा छोटा पीस ग्रो करते हैं। तो इसका यही है मिट्टी नॉर्मल, ये बहुत पुराना प्लांट है, इसलिए मैं 12 इंचेस के गमले में दी हूँ। बहुत पुराना, बहुत बड़ा प्लांट है, तो इसको बड़ा मैंने एक पॉट दे दिया है।
ताकि इसको पानी की कमी कभी ना हो। फिलोडेंड्रन का प्रॉब्लम यही है, इसमें ना पानी की कमियां ये लोग सहन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इस स्टीम के थ्रू पानी लेके फिर ऊपर तक पहुंचाते हैं ना, तो इसलिए पानी की कमी ना हो इसलिए इसको कड़े धूप में नहीं रखा जाता। मैं बाहर रखी हूँ, अंदर स्पेस नहीं है, लेकिन शेड दी हूँ, एक सेमी शेडी जगह पे मैं आपको इसको आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है किसी भी पेड़ के ऊपर चढ़ा दो, बस ये रह जाएगा, थोड़ा सा बांध के चढ़ा दो, आगे ना पीछे ये ग्रो करता रहेगा पूरा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सारे प्लांट फर्टिलाइज़र नहीं ले पाते हैं। कभी कभी मैं जो लिक्विड कंपोस्ट जब बना के आप लोगों को दिखाऊंगी तो वो लिक्विड कंपोस्ट कभी कभी दे सकते हो, लेकिन वो भी 6 महीने में एक ही बार देने से अच्छा है, बिकॉज ऑफ दैट रियल रूट से ये लोग सारा कुछ सक कर लेते हैं। पॉल्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से ये लोग रिमूव कर पाते हैं, इस प्लांट का यही काम है पॉल्यूशन से बचाना हम लोगों को, तो ये है। इसलिए विदेशों में इसको घर में इंडोर कंप्लीट इंडोर ग्रो किया जाता है, लेकिन फिलहाल अभी दिखने में यही सबसे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से ये सेट हो चुका है। तो इस प्लांट का ग्रो करने का मज़ा दो है, एक तो दिखने में खूबसूरत है तो बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देता है, एंड सेकंड थिंग जो है जैसे मैंने बताया बहुत अच्छी तरीके से पोल्यूशन से ये आपको बचाता है, दैट मीन्स पोल्यूशन रिमूव करता है, जिसमें जितना भी बेंजीन था फॉर्मल्डिहाइडिन ये सब घर में रहते हैं ना, हम वॉशिंग करते हैं कुकिंग करते हैं तो उस टाइम ऑयल गर्म होता है, स्मेल होता है, स्मोक निकलता है, तो उसमें बहुत सारे केमिकल जो होते हैं ना हार्मफुल केमिकल इंसान की घर पे बच्चे लेडीज़ की तकलीफ देते हैं, हेल्थ इश्यूज होता है, तो उससे ये प्लांट बचाता है, इसलिए विदेशों में इसको घर के अंदर ग्रो किया जाता है। मैं भी करती थी लेकिन यहाँ पे प्लेस है एंड हमारा घर थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन में होता है कभी कभी कुछ सीजन में, वो भी मैं शेयर करूँगी कैसे कैसे प्लांट घर पे भी नहीं रख सकते हैं किस किस। एंड बहुत सिंपल इजी ग्रोइंग प्लांट है फॉर बिगिनर्स, इनिशियली ये बहुत स्ट्रगल करते हैं, जैसे ही आप लगाएंगे ये ग्रो नहीं होना चाहेगा। वैसे कुछ कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना, जिस फ्रेंड को आपको दोस्त बनाने में तकलीफ होती है, लेकिन आफ्टर दोस्त बनने पर वो आपको अब बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो जाता है, तो ये सारे प्लांट ऐसे हैं जिसको इनिशियली रिपोर्ट करेंगे तो थोड़ा ये हिचकिचाएंगे ग्रो करने में, कोई कुछ भी ग्रोथ नहीं दिखेगा, स्लो रहेगा नहीं तो, तो ये बाद में आपका ऐसे रिजल्ट आएगा। इसलिए ये प्लांट कॉस्टली बिकते हैं, एक तो ये मरते नहीं, दूसरा ये आपका कुछ भी आपका केयर नहीं करना पड़ता है, सिंपल सी आप इसको ऊपर से पानी देके इसको गीला कर दो बस हो जाएगा, मॉस्टिक को गीला कर दो बस हो जाएगा, तो इसलिए कॉस्टली बिकते हैं। एक बार आपने ग्रो करना सीख लिया है तो ये आपका लाइफ टाइम फ्रेंड बन जाएगा, कभी भी नहीं मरेगा। जितना भी आप ये प्लांट देख रहे हो ये सारे मेरे मौसी ने दिए थे, मैं कटिंग से इनको ग्रो करी हूँ एक एक प्लांट को, एंड इतना अच्छा आपका रिजल्ट हमको दिख रहा है। लेकिन ऐसा प्लांट होने में आप अगर छोटे कटिंग से ग्रो करोगे तो 2 साल मिनिमम लगेगा ऐसे इसको फ्लरिश करने में। गर्मी के दिन में अच्छा ग्रो करेगा, ठंडे के दिन में आके थोड़ा सा मुरझा जाएगा, ठंडे के दिन में अंदर अच्छा करेगा, गर्मी के दिन में बाहर शेडी जगह पे अच्छा करेगा। तो ऐसा लोकेशन में आप इसको अगर रख दो तो आपका प्लांट लेके कोई टेंशन नहीं है, इसके अलावा कोई केयर नहीं है, इसको प्रॉपर एक प्लेस देना पड़ता है, कंफर्ट जोन में ये अच्छा ग्रो करता है, स्लो ग्रो करता है, ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करता है, कम काम करना पसंद करता है, लेकिन जो काम करता है दैट इज़ पॉल्यूशन को रिमूव करना, ये 100% आपको अच्छा कर देगा। तो यही है प्लांट की खासियत। जिन्होंने क्वेश्चन किया था आई होप आपका आंसर मिल गया, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं प्रैक्टिकली एंड जितना भी मेरा नॉलेज है उससे मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्टेंट पर।